अनिल जी भाई साहब राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जय गो माता। जय गोपाल जी। आज के वीडियो में तो शानदार गाय दिखा रहे हो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, पूरी डिटेल जानेंगे जी आपकी गायों के बारे में। हाँ जी गुरु। साथ ही आपकी भी डिटेल लेंगे जी। जी। दर्शकों ने आपको पिछले वीडियो में भी काफी प्रेम दिया। हाँ जी हाँ जी। गाय अच्छी लेके आते हो। हाँ जी। और कीमत रीजनेबल बताते हो। हाँ जी। तो जरूर से दर्शकों का प्यार इस बार भी मिलेगा जी। हर बार मिलता है जी, हर वीडियो में। हर वीडियो में मिलता है। गाय के लिए डिगते रह जाते हैं भाई साहब, हम थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ, टाइम आप ज्यादा ले लेते हो। हाँ जी। इस बार गायें कितनी दिखाओगे जी? 8 गोमत है जी। 8 गायें। हाँ जी। अच्छा, कीमत की रेंज बता दोगे जी आज की? कीमत भाई साहब आज है जी 25,000 से लेके 75,000 रुपए तक है जी। 25,000 से 75,000 तक जी। ठीक है, सभी गायों के बारे में डिटेल लेंगे जी। हाँ जी। कीमत भी पूछेंगे। हाँ जी। आप अपना एड्रेस बता दो जी यहाँ का। मेरा गांव भाई है जी, तहसील रानिया, जिला सिरसा और हरियाणा के वासी हैं जी। हरियाणा। हाँ जी। तो हरियाणा में शानदार गाय साहिवाल तो एक सामने नजर आ रही है जी। हाँ जी। बाकी और देखेंगे जी। हाँ जी। मोबाइल नंबर और शेयर कर दो जी आपका भाई। मोबाइल नंबर अपना वही है भाई साहब, पीछे जो पीछे चलता है 93,5,28,424। ठीक है। हाँ जी। मोबाइल नंबर रिपीट कर दो जी भाई साहब। 93,5,28,424। ठीक है। हाँ जी। ये नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। हाँ जी। व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर यही है जी। दोनों इसी पे ही है। हाँ जी। ठीक है, पूरी डिटेल लेंगे जी आपसे। हाँ जी। एक एक गाय को देखेंगे परखेंगे। हाँ जी। शुरुआत करेंगे जी आपकी एक नंबर वाली गाय से। हाँ जी। क्या डिटेल है जी इसकी? ये भाई साहब दूसरी बार बच्चा देगी जी। दूसरी बार। हाँ जी। अच्छा, अभी गैबिन है? हाँ जी गैबिन है जी। कितने टाइम की जी ये भाई साहब? अभी 10 से 12 दिन ले रही है ब्याने में। 10-12 दिन ब्याने में बाकी है। हाँ जी। ठीक है, 10-12 दिन में ब्याज आएगी। हाँ जी। अच्छा, और इसका नाम है जी गुलाबो। गुलाबो। हाँ जी। तो आज गुलाबो की डिटेल ले रहे हैं। हाँ जी। कंप्लीट डिटेल दीजिएगा जी। ब्यांत कौन सा बताया? दूसरा ब्यांत है भाई साहब इसका। गैबिन है अभी? हाँ जी गैबिन है जी। कितना टाइम ले लेगी जी ब्याने में? अभी 10 से 12 दिन पेंडिंग पड़े हैं जी। 10-12 दिन। हाँ जी। ठंडे स्वभाव की है? बहुत ठंडी है जी, ऐसे नीचे बैठ जाओ चाहे। गुलाबो शांत स्वभाव की है। दूध क्षमता में कैसी है जी? दूध क्षमता भाई साहब पहली बार में दिया इसने 12-13 किलो। 12-13 किलो। हाँ जी। अभी दूसरी बार 15 किलो दूध देगी जी। हाँ। हाँ जी। 15 किलो। हाँ जी। कीमत इसकी क्या लोगे जी? इसकी कीमत भाई साहब 70,000 रुपए जी। 70,000 जी। 70,000 रुपए जी। हाँ जी। गाय दूसरे वाली तो इससे भी गजब की लग रही है, वो भी दिखा दो जी। हाँ जी। जिसकी शुरुआत में ही डिटेल ली थी, छोटू डेयरी फार्म में पहुंचे हुए हैं। चल गुलाबो इधर। इस गाय की और डिटेल दे दो जी। ये भाई साहब पहली बार बच्चा देगी जी। फर्स्ट टाइमर है। हाँ जी। गैबिन कितने टाइम की है जी? भाई साहब 15 दिन बाकी है जी इसके। 15 दिन ब्याने में बाकी है। डेल डॉल लेवा देख के ऐसे लगता है, अडर क्वालिटी देख के जाए दूसरी बार बच्चा देगी। हाँ, हाइट अच्छी आई है, लेंथ भी अच्छी आई है, वजन भी है, गाय बहुत अच्छी है जी। गाय अच्छी है, गाय अच्छी है, लेकिन इसको जब तक नहीं ब्याएगी तब तक बच्ची ही कहेंगे। हाँ जी बच्ची है जी। गाय अच्छी लेकिन कद काठी के हिसाब से गाय है। हाँ जी। बाकी वैसे ब्यांत के हिसाब से बच्ची है। हाँ जी। और बच्ची ले आए तो कहने ही क्या। हाँ जी, बहुत टॉप की है जी, नीचे से बहुत मनेगी है। तो इसकी माँ मेरी देखी हुई है जी। हाँ। जो अपनी पहली वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो में इसकी माँ लगी थी जी। अच्छा जी। जो अपने वैसे वीडियो में दिखाई नहीं थी, पर 1,11,000 रुपए की सेल की, हरियाणा का बंदा है, सांपला का रोहतक के पास। हाँ। इसकी माँ उसको भाई को सेल की है जी। अच्छा। हाँ जी। उसकी बेटी है जी। दूध की कितनी उम्मीद करके ले? पहली बार में 15 किलो देगी भाई साहब। 15 किलो। हाँ जी। अडर क्वालिटी देखते हुए, थाना देखते हुए। ठीक है। हाँ जी। मोल क्या लोगे जी इसका? 75,000 रुपए भाई साहब। 75,000। हाँ जी। लेने देने वाला है जी। 75,000 रुपीज। ठीक है जी। ये गाय 3 नंबर पर। हाँ जी। इसकी भी डिटेल दे दो जी। ये भाई साहब अभी इसका 1.5 महीना पड़ा है जी ब्याने में। 1.5 महीना बाकी है जी। अच्छा, दूध क्षमता में कैसी है जी? पहली बार में दिया भाई साहब 11-12 किलो। ये दूसरा ब्यांत है अभी? हाँ जी, दूसरे में भी आएगी। कितना टाइम ले जाएगी ये? टाइम भाई साहब 1.5 महीना बाकी है जी। 1.5 महीना बाकी है जी। तो 1.5 महीने के अंदर तो हेल्थ और बढ़ेगी। हाँ जी। कद काठी तो वैसे बहुत लंबी चौड़ी है जी इसकी। हाँ हाँ जी। कद काठी अच्छी है। हाँ जी। दूध क्षमता में कैसी है? दूध क्षमता बहुत अच्छी है जी इसकी। कितनी? 11 किलो पहली बार में दिया इसने। 11 किलो पहली बार में जी। और इस बार की क्या उम्मीद? इस बार भाई साहब 12-13 किलो मान के ले लो। 12-13 किलो। हाँ जी। मोल क्या लोगे जी इसका? भाई साहब 32,000 रुपए लेने देने वाला है। 32,000। हाँ जी। 32,000 रुपीज। हाँ जी। फाइनल वाला? फाइनल वाला है जी। फाइनल मोल है। गाय के पास आके देखो, 32 से 35 की लगे तो रखना जी, 30 की लगे तो छोड़ जाना जी। सही है जी। आने जाने का भाड़ा मैं दूंगा, इतनी कद काठी में और इतनी लंबी चौड़ी गाय 32,000 में दे रहे हैं जी। ठीक है, कीमत अच्छी है। हाँ जी। चौथे वाली गाय और देख लेते हैं ये जी। ये तो भाई साहब आज रेट ऐसा दे देंगे भाई साहब को। हाँ। क्या डिटेल है इसकी? ये ब्याई है भाई साहब जी। ब्याई भी है जी। बच्चा क्या है इसके साथ? 15 दिन की ब्याई है, पीछे बछड़ी है जी। बछड़ी। हाँ जी। फीमेल काफ है जी। 15 दिन की ब्याई भी है जी। अच्छा,
तो दूध कितना रेडी है जी? दूध भाई साहब बछड़ी समेत 10-11 किलो है जी। 10-11 किलो तैयार है? हाँ जी। अच्छा, तो ये तो दूध पूरा तैयार हो गया? पूरा तैयार है भाई साहब, 10 किलो दूध देगी जी। मोल क्या लेंगे इसका भाई साहब? 25,000 रुपए लेना है। 25,000 रुपए तो सबसे कम कीमत वाली ये है, 25,000 रुपए वाली। हाँ जी। ठीक है, अगली गाय और देख लेते हैं जी। हाँ जी। तो अनिल जी भाई साहब, छोटू डेयरी फार्म में है। हाँ जी। गाय मीडियम कदकाठी वाली एक और आ गई है। हाँ जी। इसकी भी डिटेल दे दो जी। कद चाहे मीडियम है चाहे लंबाई मीडियम है, नीचे से बहुत भाई साहब लाख रुपए की गाय होती है, वैसे ऑर्डर बना रखे जी। ऑर्डर अच्छा है जी, ऑर्डर देख के पैसे नहीं मांगेंगे जी। जैसी गाय वैसा पैसा लेंगे जी। जैसी गाय है वैसा सुबह ही ब्याई है, जेर इसने डाल दी है और किलो सवा किलो बोड़ा निकाला, ज्यादा निकाला नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी। पीछे बछड़ा है? बछड़ा है जी, सुबह ब्याई ताजा। हाँ जी, वो जेरी भी वो उधर पड़ी है जी बछड़ के नीचे। कितने दूध तक की उम्मीद है जी? ये दे देगी भाई साहब, पहली बार में दिया इसने 10 किलो, अब की बार देगी 12 किलो। 12 किलो। हाँ जी। ठीक है, मोल आप क्या लोगे फिर? 30,000 रुपए लेंगे। 30,000 रुपए। हाँ जी। अडर क्वालिटी की शानदार है, कद की मीडियम है, ब्याई भी है, बच्चा साथ में है। हाँ जी। ठीक है जी, अगली गाय और दिखा दो जी भाई साहब। तो अनिल जी भाई साहब, आपको छोटू कहें या आपके फार्म का नाम छोटू है जी? फार्म का ही प्यार से रखा है जी। अच्छा। पब्लिक ने रख रखा है छोटू नाम से, मैं थोड़ा छोटा उम्र में काम करने लगा था इसलिए छोटू बोलने लग गए। छोटू बोलने लग गए। और आपने नाम अनिल राव जी है जी मेरा। अनिल राव है जी। तो आपने फार्म का नाम भी छोटू डेयरी फार्म रख दिया। जिस चीज से शुरुआत होती है उसी चीज का नाम रखना चाहिए, वही नाम चल रही है जी। ठीक है जी, तो छोटू डेयरी फार्म में गाय अभी ये जी छठे नंबर की है। छठे नंबर की है जी। ठीक है जी, बिना सींग वाली? बिना सींग वाली है जी। कौन से ब्यांत वाली? पहले ब्यांत की है जी। पहले ही ब्यांत की है। कितने टाइम की गैबिन जी है ये भाई साहब? 10 दिन लेगी जी। 10 दिन और ले जाएगी ब्याने में। स्वभाव की ठंडी है, बहुत ठंडी। दूध क्या उम्मीद करें जी भाई साहब? पहली बार में देगी 11-12 किलो। 11-12 किलो। हाँ जी। अच्छा, 10-11-12 किलो पहले ब्यांत में मिल जाए तो बहुत शानदार है जी गाय। ठंडी कीमत में कैसी है? कीमत भाई साहब दे देंगे ये 35,000 रुपए की। 35,000 रुपए में? 35,000 रुपीज में। स्वभाव परख के दिखा रहे हैं जी। अगली गाय और देख लेते हैं, दो सफेद सफेद गाय और है जी। लास्ट में इसीलिए तो बोलते हैं भाई साहब पूरी वीडियो लास्ट तक देखा करो। हाँ। लास्ट में तो हीरे छुपे होते हैं, वो आएंगे निकल के। अच्छा। हाँ जी। तो ये हीरा है? ये भी हीरा है, उसके बाद भी हीरा है। अच्छा, इसके बाद नहीं है जी। पहले नंबर पे चीज दिखा देते हैं, लास्ट में भी चीज दिखाते हैं। हाँ। हाँ जी, गाय का कोई पता नहीं तो कब कैसी क्वालिटी निकल जाती है, कब कैसी क्वालिटी रह जाती है जो आपको पसंद आ जाए। हाँ जी। ये कौन से ब्यांत में जी? ये दूसरे में है भाई साहब। दूसरे ब्यांत में जी। अच्छा, ये भी गैबिन है? गैबिन है जी। गैबिन है जी। कितना टाइम लेगी जी ये भाई साहब? 10-12 दिन लेगी जी। और दूध जी? दूध देगी भाई साहब ये 13-14 किलो। थनों में गैप अच्छा है? हाँ जी, अभी तो मनाना स्टार्ट ही किया जी इसने। अच्छा। हाँ जी। और कीमत क्या लोगी जी इसकी? 55,000 रुपए लेंगे भाई। 55,000। हाँ जी। ठीक है, अगली गाय और दिखा दो जी। जी। तो छोटू भाई साहब, छोटी सी थार पार कर ले गए हो? छोटी सी नहीं है जी, 15 महीने की है, मुँह से खीरी है। 15 महीने उम्र है जी। 4 फुट 2 इंच की हाइट है जी। 4 फुट 2 इंच की हाइट वाली थार पार कर बछड़ी, जैसा भाई साहब बताते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो, पता नहीं कहाँ हीरा मिल जाए। सही बात है जी। हाँ, तो आज हीरे जैसी बछड़ी सामने है जी। डिटेल भी भाई साहब से जान लेते हैं। 15 महीने की है जी, मुंह से खीरी है। हाँ जी। अच्छा, तो इसकी माँ की कुछ दूध क्षमता या रिकॉर्ड है जी आपके पास? क्षमता भाई साहब पहले ब्यांत में 10 किलो। हाँ। बोलने को चाहे 20 बोलो चाहे 12 बोलो। हाँ जी। तो पहले ब्यांत में 10 किलो। हाँ जी। तो ये पहले ब्यांत की है या बाद वाले की? ये दूसरे ब्यांत की है जी बच्ची। दूसरे ब्यांत की? दूसरे ब्यांत का। इसका माँ का 13-14 किलो का रिकॉर्ड। अच्छा जी। तो इससे भी 10 किलो उम्मीद कर ले जी पहले में। ठंडा देगी भाई साहब। अभी गैबिन तो हुई नहीं होगी? नहीं नहीं जी, 15 महीने की है। 15 महीने उम्र है, गैबिन नहीं हुई है। हम्प बड़ा है, सुंदर है। इसको तो भाई साहब भाई शौक से गाय पालना चाहते हैं और थारपारकर नस्ल के शौकीन है वो ये बछड़ी ले सकते हैं। हाँ जी। कीमत भी भाई साहब से जान लेते हैं, कीमत कैसी रखी है? वैसे तो इस चीज की कोई कीमत नहीं होती जी। हाँ जी, लेकिन इसका लेने देने वाला 35,000 रुपया। कोई भाई जी लेने वाला हो तो कॉल कर लेना, नहीं तो खड़ी है जी अपने। 35,000 रुपए में सस्ती है बछड़ी। ठंडी देखो जी। हाँ, सस्ती है 35,000 रुपए में और साथ में अच्छी भी है, स्वभाव की भी ठंडी है जी। फेस की बनावट बहुत शानदार है जी। अभी तो भाई साहब इसकी उम्र क्या हुई है, जैसे उम्र होगी वैसे देखा इसकी कदकाठी कैसे बनेगी। बनेगी ये देखो मुंह से, देखो भाई साहब जी। हाँ। खीरी है जी, जी मैं झूठ नहीं मारता। हाँ। दूध वाले भी दांत नहीं टूटे अभी। हाँ। ठीक है जी। जी अदंत है? अदंत है जी अभी तो। ठीक, दांत तोड़ेगी तब तक ब्याज आएगी जी। ठीक है जी। कैसी लगी व्यूअर्स आज की वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा जी। वीडियो लास्ट तक देखा है उन्होंने जरूर से इस बछड़ी को भी देख लिया होगा जी और बछड़ी पसंद भी आ गई होगी। तो तुरंत फोन घुमाएं और भाई साहब के पास ये बछड़ी बुक करवाएं जी। कैसी लगी कमेंट में भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जय गो माता। जय गोपाल जी।